हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले लेडीज M&M फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो उस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के प्राइस के अंदर किस तरह से यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर देखते हैं, यहाँ पर जो कंपनी का यहाँ पर जो है 14% जो है क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर जो है लेडीज रेवेन्यू बढ़ा, और वो हो चुका है बढ़कर 2928 करोड़ रुपीस। एज वेल एज यहाँ पर जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में लॉस किया था 1500 करोड़ रुपीस का, नियर इट इज 1573 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया था, क्योंकि इस क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने 1102 करोड़ का यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर देखने जाए तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो काफ़ी अफलातून और काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूँ ऑन इन ईयरली बेसिस, तो यहाँ पर जो है 3% का यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से फॉल जरूर देखने को मिल रहा है, और वो हो चुका है 2928 करोड़ रुपीस। एज वेल एज यहाँ पर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट देखें तो पिछले साल यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया था 152 करोड़ रुपीस, उसके मुकाबले अगर हम इस साल को कंपेयर करें इट इज ऑलमोस्ट 3 times जो है यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। डेट इज 1102 करोड़ रुपीस का जो है कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है। सो ओवरऑल बेसिस पर भी यहाँ पर जो है कंपनी के रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप है इस कंपनी का 23,468.89 करोड़ का मार्केट कैप है, और डिविडेंड यील्ड है इसका 0.42%। फेस वैल्यू है 2 और बीटा है इसका 1.56, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपको बता दें अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का भी मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.56% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 56.17, प्राइस टू बुक है 1.6 और बुक वैल्यू निकल कर आती है शेयर की, दैट इज 118.73 रुपीज़। कंपनी की यहाँ पर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी जो परफॉर्मेंस है ऑन एन ईयरली बेसिस हर साल जो है आपको जो है एक अच्छा सा अप ट्रेंड यहाँ पर हमें क्लियरली यहाँ पर आपको फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 से 2021 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डाउनफॉल जरूर देखने को मिला था, बट यहाँ पर अभी जो कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं उसके कारण एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है यहाँ पर हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं आज की बात करूँ तो 3.33% की गिरावट के साथ इस शेयर ने लेडीज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने 185.6 पे क्लोजिंग जरूर दी है, बट कल एक अच्छा सा गैप अप ओपन यहाँ पर हमें M&M फाइनेंस के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो उसके साथ साथ में मार्केट किस तरह से यहाँ पर हमें रिएक्ट करते हुए देखने को मिलता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है या नेगेटिव सेंटीमेंट, उसके हिसाब से भी आपको इस शेयर के अंदर प्रेशराइज अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको M&M फाइनेंस कंपनी के यहाँ पर जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।